दिस इज अवर वेल्डमेस मशीन, कंस्ट्रक्शन वगैरह में आजकल काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि दैट लेबर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग डे इन एंड डे आउट, तो आजकल तो कंस्ट्रक्शन वगैरह में सबको रेडीमेड चाहिए सॉल्यूशन जो है, तो ये वायर मैश है, इट कैन बी यूज्ड इन वर्क फास्टली होना चाहिए, तो दिस इज ए वेल्ड मैश मशीन, वी हैव रिसेंटली डेवलप्ड दिस मशीन आल्सो। अच्छा, तो इस तरह के आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, इस तरह ये क्या प्रोडक्शन क्या रहता है सर, इसे रेट क्या रहता है? ये फेंसिंग वगैरह में यूज़ होता है, और डिफरेंट एप्लीकेशन है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, फ्लोरिंग में यूज़ होता है। जैसे अगर बात करें वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर कोई नए लोग है वो आना चाहते हैं, तो क्या ये प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है और क्या मार्केट कितना बड़ा है सर? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम बैक टू माय चैनल, और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं प्रगति मैदान, जहां पर वायर एंड केबल फेयर चल रहा है जो 18th of May से लेकर 20th May तक चलने वाला है, जहां पर वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए जो भी कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आए हुए हैं, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। और इसी कड़ी में मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो बनाते हैं वायर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज बनाते हैं, और इन्हीं से आपको बात करवाने वाला हूं। अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हो या इस तरह की मशीनरीज की आपको ज़रूरत है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? माय नेम इज निर्मल सिंह एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ एसोमैक मशीन्स लिमिटेड। वी आर पाइनियर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वायर ड्रॉइंग प्लांट्स इन इंडिया, एंड दिस इज ए मोर देन 4 decades ओल्ड कंपनी manufacturing machinery. As far as customer wise is concerned, we are number one in this country, and we are partner to this exhibition also with the Tulip. And regarding the machinery, we are constantly upgrading our innovation on the machinery. The machine being manufactured by us, you can say, is as comparable as to the European machines, and these machines which has been displayed here, these are the latest machines which we are regularly supplying to Indian as well as to the customers abroad. Okay. Our company is heavily into exports, and we are Esomec is receiving export awards constantly during last more than 15 years. More than 15 years. और सर यहाँ पर ये है कि आप number one हो इस industry में। Yes, we are number one. You can say that way. We have more than 1500 satisfied customers both in India as well as abroad. सर ये सारी जो machines है ये आपकी in-house designing and manufacturing है? Yes, this is in-house designing, and we have got a complete setup with the latest machines on which these machines are being made, and we have got a innovative design engineers in our factory which are constantly working day in and day out for giving the best to its customer. तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि आप वर्ल्ड में मेक इन इंडिया को लीड कर रहे हो? यस, अगर किसी चीज़ को सार्थक अगर माना जाए तो यस, वी आर इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, वी आर फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स ऑफ आवर पीएम हु हैज गिवन मेक इन इंडिया। तो यहाँ पर सर काफ़ी सारे मशीन्स शोकेस किए हैं, और अभी वायर एंड केबल का ये फेयर है, मशीन्स के बारे में बता सकते हैं सर? हाँ, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन मशीन, दिस इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ two blocks of that constantly a bigger machine. This machine would be joined to another machine. Achha, ek line hoti hai. Yes, ek line hoti hai, maybe 7 block or 8 block or 9 blocks, something like that. Achha. And depending upon whatever customer want, what type and what size of wire he wants to draw according to that. Because in the exhibition you cannot bring the whole machine, and we have just brought a small, but this is a live machine, this live is a running machine, yeah. So इस पे कर क्या सकते हैं? सिर्फ इस पे straight wire, line wire? Yes, the basic function of this machine is to draw wire from thicker size to finer size. Finer size. Yeah. वो आप अपने requirement के according उस size पे आप
कर सकते? हाँ, ये अपना कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। वी मैन्युफैक्चर मशीनरी से फ्रॉम 32 mm थिकनेस से लेके और आपका हेयर थिकनेस का रेंज हमारा मशीनरी है जो विच वी मैन्युफैक्चर। तो सर, आप जो मेनली यूज़ करते हैं इस मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग में, कौन से मटेरियल आप यूज़ करते हैं? वी यूज़ द बेस्ट इनपुट्स विच आर अवेलेबल इन द कंट्री एंड इंडिजिनस है ये हमारा मशीन जो है, कोई इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं है। अच्छा। एंड वी ट्राई टू गिव द बेस्ट टू इट्स कस्टमर। अच्छा। दिस इज अवर वेल्डमेस मशीन। कंस्ट्रक्शन वगैरह में आजकल काफ़ी यूज होता है क्योंकि दैट लेबर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग डे इन एंड डे आउट। तो आजकल तो कंस्ट्रक्शन वगैरह में सबको रेडीमेड चाहिए सॉल्यूशन जो है, तो ये वायर मैश है, इट कैन बी यूज्ड इन वर्क फास्टली होना चाहिए, फास्टली होना चाहिए। तो दिस इज ए वेल्ड मैश मशीन, वी हैव रिसेंटली डेवलप्ड दिस मशीन आल्सो। अच्छा, तो इस तरह के आप यहाँ पर दिखा सकते हैं इस तरह, ये क्या प्रोडक्शन क्या रहता है सर, इसे रेट क्या रहता है? ये फेंसिंग वगैरह में यूज़ होता है। हाँ। और डिफरेंट एप्लीकेशन है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, फ्लोरिंग में यूज़ होता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस आर देयर। इट रन्स, ये इधर वेल्ड होता है और इधर ये रोल होता चला जाता है, इधर वेल्ड हुआ और इधर रोल होता चला जाता है। एक कंप्लीट मशीन है ये? यस, कंप्लीट मशीन है। यहाँ पर सर, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से, जैसे जो इनपुट कहाँ से होंगे सर? मशीन यहाँ से वो वायर फीड होगा। अच्छा। यहाँ से ये जाएगा डिफरेंट वायर्स और ये पंच करता रहेगा और वेल्डिंग होता चला जाएगा। अच्छा। और ये मैच बनता हुआ चला जाएगा और उस पर रोल हो जाएगा। यहाँ पर दिखाओ, या इधर 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 ये दिखाओ, यहाँ से रॉ मटेरियल सारा, या इधर वायर कॉइल आ जाएगा, इधर ये पे ऑफ सिस्टम है और इधर से ये फीडेड होगा डिपेंडिंग कितने वायर का इसमें फीडिंग है ये। अच्छा, मतलब ये है कि सर जो पहले काम मैन्युअली होते थे और इसमें डे बाय डे कितना दिन लग जाता था एक करने में, उनको आपने सेकेंडों भर के लिए कर दिया कि भाई हर चीज़ जो है ऑटोमेटिक पिला दी, ऑटोमेटिक पिला है ना सर। तो अगर सर जैसे कॉस्टिंग की बात करें, क्या कॉस्टिंग क्या पड़ जाती है सर? एज सच तो कॉस्टिंग इज ए वेरी वेरी पेक्यूलियर सब्जेक्ट आई शुड से, डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर का क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है। दीज मशीन्स आर ऑल टेलर मेड मशीन, कस्टमाइज्ड है ये, बट इट कैन रेंज फ्रॉम 55 lakhs अपवर्ड्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी, साइज ऑफ वायर एंड डिफरेंट रेंजेस। कस्टमर के रिक्वायरमेंट पर निर्भर है, उसके जो भी यूजेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनको कस्टमाइज करके आइटम्स दे। यस सर, जैसे कह रहे हैं मशीन्स की आप जो करते हैं उसकी सर्विस की बात करें, इंस्टॉलेशन की, उसका क्या रहता है? वी हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस इंजीनियर। आज की डेट में भी हमारे एक दो इंजीनियर बाहर गए हुए हैं, विदेश में, मीन्स इंडिया से बाहर हैं, एंड दे आर गॉन फॉर द इरेक्शन एंड कमीशनिंग एंड अदर। आफ्टर सेल सर्विस भी अगर होती है तो हम इमीडिएटली वी डेब्यूट अवर इंजीनियर देयर। और आजकल तो सिस्टम वी आर यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड के हम यहीं बैठे हुए हैं, हम मशीन को इरेक्शन कमीशनिंग वहीं कर देते हैं। या यस, वी कैन डू दैट। सर जैसे वारंटी की बात करें, क्या मशीन्स की वारंटी है? वैसे तो हम तो ये बोलेंगे कि हमारा मशीन जो है दादा ले और पोता बढ़ते, हाँ उस टाइप से है, बट स्टिल We give our customer 1 year warranty. एक ये तो है कि सर आप जैसे नंबर वन हो और इतने सारे आपको अवार्ड सर लगातार मिल रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट की वो तो क्वालिटी है ही, लेकिन एक वारंटी पे क्या है कि कस्टमर को एक थोड़ा भरोसा होता है कि अंदर से हो जाता है उस पर। ऐसो मैक इन इटसेल्फ हैज बिल्ड अप इट्स ओन ब्रांड एंड नेम इन द मार्केट, एंड जहाँ ऐसो मैक का नाम आ गया तो कस्टमर नोज दैट इट इज़ ए क्वालिटी मशीन, बिकॉज वी यूज़ द बेस्ट इनपुट्स वॉट एवर इज अवेलेबल इन द कंट्री। सर अगर जैसे बिजनेस की बात करें, तो आप बिजनेस कैसे करते हैं? हम लोगों का एज सच तो देर इज़ नो मार्केटिंग टीम, एंड आवर कस्टमर इज आवर मार्केटिंग टीम। जिस भी कस्टमर है या आप प्रोडक्ट इज मार्केटिंग टीम, जहाँ पहुँच गए वहीं से फिर वो शुरू हो जाते हैं मार्केटिंग। तो ऑल ओवर हमारे स्प्रेड ओवर
मार्केटिंग टीम इज देयर एंड दे आर आवर मार्केटिंग टीम। ओके सर, अगर किसी को इस तरह की प्रोडक्ट की नीड है, ज़रूरत है या इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं तो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? आवर कंपनी इज सिचुएटेड इन NCR इन गाज़ियाबाद एंड वी आर एग्जिस्टिंग सिंस लास्ट मोर देन 4 decades और आज तो नेट की सुविधा इतनी उपलब्ध है दैट यू आर सिटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू जस्ट टाइप ESOMEC एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट अवर कंपनी। वेबसाइट क्या होगी सर? जैसे अगर बात करें वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर कोई नए लोग है वो आना चाहते हैं तो क्या ये प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है और क्या मार्केट कितना बड़ा है सर? मार्केट एज सच इज इट्स ए ह्यूज मार्केट एंड बिकॉज वायर इज ए कोर इंडस्ट्री और कोर इंडस्ट्री हम तो ये कहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री ऑन दिस अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट यूजिंग वायर इन सम फॉर्म और द अदर, चाहे वो कंप्यूटर में वायर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में वायर हो, चाहे वो जो भी मशीन लगी हुई है उसमें वायर हो, इन सम फॉर्म और द अदर वायर इज़ बीइंग यूज्ड। ऑटो इंडस्ट्री, एरोप्लेन से लेके सुई स्टिचिंग के लिए भी हर जगह वायर का नेसेसिटी है। ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और जो लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए भविष्य काफ़ी ब्राइट होने वाला है। हाँ बिल्कुल, हम यही बोलेंगे कि भाई सिंस इट इज़ ए कोर इंडस्ट्री और वायर का रिक्वायरमेंट डे इन एंड डे आउट बढ़ रहा है, इन सम फॉर्म और अदर इनोवेशंस हो रहे हैं, इवन वो वेल्डिंग में भी आजकल लेटेस्ट मिग वायर चालू हो गया। हाँ जी। तो अभी वो स्टिक इलेक्ट्रोड की जगह मिग वायर हो गया, दैट इज़ ऑल्सो टोटली ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन से वो वेल्डिंग होती है, रोबोट्स वेल्डिंग कर रहे हैं, उसमें हमारा ही वायर मिग वायर यूज़ होता है व्हाट वी मैन्युफैक्चर। अच्छा, और सर एट लास्ट में दर्शकों को आप अपने कंपनी के बारे में एम प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि भले ही हम थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो बट गो इन फॉर द बेस्ट एंड वी आर द बेस्ट एंड वी आर कस्टमर्स ओरिएंटेड, हम कस्टमर्स की तरफ से काम करते हैं, यस कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है हम पूरा देते हैं एंड डेफिनेटली जो है कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद अस, दैट्स व्हाई वी आर इंक्रीजिंग आवर कस्टमर बेस एवरी ईयर। ओके चलिए सर, थैंक यू। और ये थे वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज़ में नंबर 1 कंपनीज, और आप ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से सारा जो भी जानकारी है, ज़्यादा जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगे और कंपनी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू।